This is an ABP Life podcast. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रोज एवेन्यू कोर्ट ने 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें 15 अप्रैल तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। ऐसे में केजरीवाल ने तिहाड़ ले जाने के लिए 3 किताबों की मांग की है। केजरीवाल ने अपने वकीलों के जरिए कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने मांग की है कि उन्हें जेल में 3 किताबें ले जाने की मंजूरी दी जाए। इन किताबों में भगवद गीता, रामायण और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने जेल में जरूरी दवाओं की भी मांग की है। और इस पर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बार काउंसिल के फॉर्मर चेयरपर्सन मुरारी तिवारी जी हैं। मुरारी जी, संवाद पर स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, एक तो जुडिशियल प्रोसेस है, जैसे ही पुलिस रिमांड, पुलिस कस्टडी खत्म होती है तो फिर अगला ऑप्शन जुडिशियल रिमांड ही रहता है। तो ये जेल जाना एक नेचुरल हमारे यहाँ जो सीआरपीसी में प्रोसीजर है उसी के हिसाब से, अगर किसी भी अक्यूज को बेल ग्रांट नहीं होती है तो उसको जुडिशियल कस्टडी में ही जाना पड़ता है पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद। एक सर सवाल उठ रहा है कि अब कहा जा रहा है सीबीआई अपने रिमांड पे लेने की मांग कर सकती है ईडी के बाद। देखिए, सीबीआई पहले तो मुकदमा सीबीआई का ही होता है, उसमें शेड्यूल ऑफेंस होता है जो 120 बी में इस तरह के मुलजिमों को रखा जाता है। और जब तक शेड्यूल ऑफेंस नहीं होता है तब तक ईडी भी उसमें कार्रवाई नहीं करती है। सीबीआई का मुकदमा तो प्राइमरी था, पहले उसी को रजिस्टर होना था, उसी में ही अरेस्ट होना था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ईडी पहले अरेस्ट कर लेती है, तो अब ईडी ने अपनी इंक्वायरी पूरी कर ली तो अब सीबीआई अपनी इंक्वायरी पूरी करने के लिए भी सीबीआई का जो ओरिजिनल शेड्यूल ऑफेंस है उसमें अरेस्ट डाल सकती है। उसमें फिर फर्दर फिर दोबारा सीबीआई भी फर्दर रिमांड मांग सकती है और अब उसमें भी इसी तरह के प्रोसेस चलेगा। एक इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि जो शराब घोटाले का मुख्य आरोपी है विजय नायर, केजरीवाल ने कहा है कि विजय नायर केजरीवाल को रिपोर्टिंग नहीं करता था बल्कि सौरभ भारद्वाज और आच्छी को रिपोर्ट करता था। तो आपको लगता है कि इसके बाद सौरभ भारद्वाज और आच्छी की मुश्किलें बढ़ेगी? देखिए, ये तो हमेशा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की प्रेरोगेटिव है, इसको उन्होंने अरेस्ट उनकी डालनी है नहीं डालनी है, किसके लिए, उनके पास कितना एविडेंस है। ये एक्सक्लूसिवली ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है उसकी प्रेरोगेटिव होती है, और जहाँ अरेस्ट करना है जहाँ अरेस्ट नहीं करना है। इसमें जो एविडेंस होता है वो सारा मटेरियल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास होता है, तो ऐसे कमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। और इसमें अगर उनके पास मटेरियल है, अगर अरेस्ट करना चाहें तो कर भी सकते हैं। एक सवाल उठ रहा है सर कि आखिर केजरीवाल को बिल मिल क्यों नहीं पा रही है? देखिए, जो पीएमएलए का जो हमारा एक्ट है उसमें सेक्शन 45 बिल डील करता है, और उसके जो कंडीशन है ट्विन कंडीशन जो बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, उसमें अपनी इनोसेंस एक्यूज को पहले प्रूव करना पड़ता है, और उसमें प्रोसिक्यूशन को भी पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अपोज करने की। तो इस तरह के केसेस में पीएमएलए में अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता, चार्जशीट नहीं आ जाती, तब तक बेल की कल्पना करना थोड़ा मुश्किल होता है। हम एज ए लॉयर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर इतना डिफिकल्ट और इतना स्ट्रिंजेंट प्रोविजन है, ये एक आम आदमी को बेल मिलना मुश्किल होता है, ये भी एक कारण हो सकता है। एक सवाल ये कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया लंबे समय से जेल में है, सतन जैन लंबे समय से जेल में है, संजय सिंह लंबे समय से जेल में है, क्या केजरीवाल भी वैसे ही लंबे समय जेल में रहेंगे या इनको जमानत मिल सकती है? देखिए, जो मैंने आपको बताया कि पीएमएलए के केसेस में एक्सेप्शनली एक दो लोगों को बेल मिली है, अदरवाइज मेजोरिटी केसेस में अभी तो बहुत जल्दी बेल मिलती नहीं है इसमें। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी इसके उदाहरण है, तो वो भी इसी तरह के ऑलमोस्ट एलिगेशन में अंदर है और अभी भी उनका बेल एक तरीके से नहीं हो रहा है। तो इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीएमएलए में बेल बहुत जल्दी मिलती नहीं है।
एक सवाल और कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आप क्या देख रहे हैं आम आदमी पार्टी पर, इसका क्या कुछ इम्पैक्ट हो रहा है, क्या बिखर जाएगी पार्टी? पॉलिटिकल इम्पैक्ट के बारे में तो मैं कोई बहुत ज्यादा विशेष टिप्पणी नहीं कर सकता कि इसमें पार्टी के ऊपर क्या असर होगा, और लेकिन हताहत होता ही है कोई भी पार्टी है। अब इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन का मुझे बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं है। लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, तो क्या तिहार में भी जेल के अंदर से सरकार चला सकते हैं, केजरीवाल सीएम बने रह सकते हैं? देखिए, अभी दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक पैनल डली थी, तो उसमें ऐसा कहीं लीगल रुकावट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिबिलिटी पर आ रहा है कि क्या प्रैक्टिकली संभव है कि जेल से सरकार चलाई जा सके, तो वो एक उसका जो प्रैक्टिकेबिलिटी का एक क्वेश्चन उठ रहा है। अदरवाइज दिल्ली हाईकोर्ट ने रिसेंटली एक पैनल डिसमिस किया है, और बाकी तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है वो क्या करना चाहते हैं। एक सवाल और कि एलजीबी के सक्सेना ने कहा कि जेल से सरकार नहीं चलेगी, तो इसका क्या मतलब है कि प्रेजेंट रूल भी लग सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर एलजी को लगता है कि यहाँ हर चीज ठीक से नहीं हो रहा है या विदाउट सीएम ठीक से नहीं चलेगी सरकार, तो एलजी अपनी एक रिपोर्ट बना करके राष्ट्रपति को भेज सकते हैं प्रेजेंट रूल लागू करने के लिए। अच्छा, ऐसा पहला इस तरह का मामला दिख रहा है जब जिसमें शिक्षा मंत्री जो रहे, स्वास्थ्य मंत्री जो रहे, जो सांसद रहे, जो सीएम रहे, मतलब एक तरीके से पूरी कैबिनेट जेल में है, और जो मिनिस्टर्स बाकी है उनके भी कहीं ना कहीं नाम आ रहे हैं, तो ऐसे में एक पार्टी के लिए सरकार चलाना कितना मुश्किल देख पा रहे हैं आप लीगली तौर पर? देखिए, कोई भी मिनिस्टर जैसे अंदर होते हैं तो उस डिपार्टमेंट को नुकसान तो होता ही होता है, और ये तो पार्टी को डिसाइड करना है, और पार्टी के पास हमेशा प्रेरोगेटिव रहती है कि वो अपने मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर उनको बदल सकते हैं, नए लोगों को जिम्मेवारी दे सकते हैं, या कैसे चलाना है ये तो पार्टी का बिल्कुल उनका अपना प्रेरोगेटिव है। जी जी, एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए मुरारी तिवारी जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।